हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हैं नाना राव पार्क कानपुर, बिरहाना रोड पे है। और इस पार्क की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे एक कानपुर का सबसे बड़ा फ्लैग दिखाई देगा, तिरंगा झंडा। देखिए, ये है तिरंगा झंडा, कानपुर का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा। और अभी मैं आपको सारा पार्क दिखाने वाला हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इस पार्क का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी भी है, या इसे कंपनी बाग भी बोलते हैं। एक्चुअली ये फूल बाग में है और इसी की वजह से फूल बाग का फूल बाग नाम पड़ा। तो ये सिटी के बीचों बीच है, जो अंग्रेज़ों के समय ही बनवाया गया था, तो इसे मेन कंपनी बाग बोलते हैं। और जो मेन नाना राव पार्क है वो बिठूर में है, वो भी बहुत खूबसूरत पार्क है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम कंपनी बाग भी है। अभी मैं पार्क में टहल रहा हूँ, तो ये देखिए खूबसूरत पार्क है। सिटी के बीचों बीच में इतना खूबसूरत पार्क होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है कि इस पार्क में जो एंट्री फी है वो 18 रुपये है, तो आम जनता यहाँ पे नहीं आती है, क्योंकि अब 18 रुपये दे के फिर कौन एंट्री ले। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत कम ही लोग दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 18 रुपये एंट्री फीस है। और अगर एंट्री फीस नहीं होती तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती, क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच है। तो खूबसूरत पार्क है, लेकिन एंट्री की वजह से कम भीड़ है, क्योंकि अगर किसी को आना होगा तो उसे 18 रुपये देना होगा। और ऐसे ऐसे ये जिस तरह से बैठने का स्थान है, ये इस तरह से 5-6 स्थान और हैं। तो आप, पार्क अच्छा है। ये सामने से ब्रिटिश की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और ये है पूरा पार्क, काफ़ी दूरी में फैला हुआ है पार्क। पार्क अच्छा है। पार्क बेसिकली बहुत अच्छा है। बाहर अगर आप रहते हो तो गाड़ी मोटर की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, क्योंकि बहुत चहल पहल एरिया है। लेकिन जैसे ही आप अगर पार्क के अंदर आते हो तो सब सही हो जाता है, शांति का माहौल हो जाता है। अच्छा, एक बात और है मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस पार्क में साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, और हवा चल रही है तो फ्लैग भी बहुत अच्छी तरह से लहरा रहा है, हमारे देश का तिरंगा। देख सकते हैं कितना बड़ा पार्क है ये। और अब ये है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, इसमें हवा बहुत अच्छी चल रही है, और देखो आपकी कितना खूबसूरत लग रहा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा।
पूरा पार्क घूम के अभी थक चुके हैं, तो अभी इस पे आराम कर रहे हैं। ये बेंच है जिस पे आराम कर रहे हैं। अभी जाके कैंटीन में कुछ खाएंगे, क्योंकि कैंटीन में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक कैंटीन भी है। तो ये पार्क बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून वाला है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये बिरहाना रोड में बहुत बिजी जगह पे ये पार्क है, और उस जगह में इतना खूबसूरत जगह होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 18 रुपये चार्ज लगते हैं इस पार्क के, और तो लगभग 10 रुपये बाइक चार्ज का लगता है। तो अभी आए हैं, बस बैठे हुए हैं। अच्छा पार्क है, खूबसूरत पार्क है। 28 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है घूमने के लिए। तो फिर चलिए पार्क दिखाते हैं। इसमें वैरायटी वैरायटी के फूल भी हैं। ये है चाइना रोज़ का, चाइना रोज़ का फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है। ये देखिए, ये है चाइना रोज़। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है। तो अभी हम लोग कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। कैंटीन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पार्क खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि एंट्री फीस जो इन लोगों ने बना रखा है, वही दिक्कत है बस। ये है कैंटीन, और कैंटीन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक, वाटर, सैंडविच वगैरह मिल जाता है। ये खूबसूरत फूल है, सामने ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पार्क कैसा लगा? अब चलते हैं घर। सो अगर पार्क अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना कि पार्क अच्छा था। तब हम लोग घर जा रहे हैं। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।